सबसे अच्छा बात यह है कि आप तुरंत कस्टमर के हिसाब का लेन देन एंट्री कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कस्टमर को इस बात का वो नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, और तो और पेमेंट के दिन पेमेंट के लिए आप कस्टमर को रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। कहीं ट्रैक्टर खड़ा है तो कहीं गाड़ियां, कहीं मोटरसाइकिल तो कहीं सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण, कहीं हैंडलूम का सामान है तो कहीं चूड़ियां। यहां जेसीबी मशीन से लेकर जनरेटर तक की दुकानें हैं। मेले जैसा ये माहौल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है, क्योंकि पटना में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और उद्योग विभाग की ओर से आयोजित होने वाला छठा डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो चल रहा है। 6 फरवरी को 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले की शुरुआत हुई थी। मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी में 350 स्टॉल लगाए गए हैं। बिहार सरकार द्वारा आयोजित इस मेले का उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना है, साथ ही बिहार की बदलती हुई छवि को दिखाने के उद्देश्य से भी इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 40 स्टॉल बिहार मेला उद्योग संघ के हैं। इनमें कमजोर वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क भागीदारी ली गई है। सब्सिडाइज्ड रेट पर महिलाओं ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इतना ही नहीं, इस मेले में हर दिन अलग अलग प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन होना है। 7 फरवरी इंफ्रास्ट्रक्चर डे, 8 को टूरिज्म डे, 9 को इंडस्ट्री डे मनाया जाएगा, 10 को साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम का आयोजन होगा। इस बीच बच्चों के लिए पेंटिंग, दर्शकों के लिए दही गुलाब जामुन खाओ प्रतियोगिताएं होंगी। गांधी मैदान में डेस्टिनेशन 2020 का उद्घाटन करने के बाद एक्सपो देखते पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की सराहना करता हूं और बिहार में उद्योग लगाने की अपार संभावनाएं हैं। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन हमेशा इस प्रकार के आयोजन करता रहता है, जिसमें बिहार के जो उद्योग हैं, उनके उत्पाद हैं, उनकी प्रदर्शनी भी लगती है, और साथ साथ बिहार के बाहर के लोग भी आकर्षित हो सकें, बिहार में उद्योग लगा सकें, इसकी भी कोशिश लगातार एसोसिएशन के माध्यम से होता है। उसी क्रम में आज ये छठा आयोजन है, मैं उनके बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के इस प्रयास की सराहना करता हूँ। अब एक्सपो में क्या खास दिखा सर आपको यहाँ पर? कई नई चीज़ें मुझे देखने के लिए मिली, और विभिन्न प्रकार के चीज़ों का जो उत्पादन यहाँ होता है उसकी प्रदर्शनी भी देखी मैंने, और बहुत सार्थक जो हो रहे हैं, कई नए एंटरप्रेन्योर नए नए कामों में रुचि ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस प्रकार की प्रदर्शनी से लोगों की शोर काम करने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। सर, बिहार का विकसित विकास कैसे होगा इससे? बिहार लगातार विकास कर रहा है, और बिहार में उद्योग लगाने की सब प्रकार की संभावनाएं आज भी मौजूद हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, विशेष करके फूड इंडस्ट्री में तो हम बहुत कुछ योगदान कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि अब बिजली कोई समस्या बिहार में नहीं है, सड़कों का नेटवर्क हमने खड़ा किया है, सब प्रकार की सुविधाएं उनको देने के लिए तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में औद्योगिकरण की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ेंगे। वहीं सेक्सपो के आयोजनकर्ता और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान की माने तो 2011 से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और एक साल के अंतराल पर इसका आयोजन होता है। ये जो हमारा है, ये जो बिहार का 2011 में से स्टार्ट किया गया इस कार्यक्रम को, और हम हर अल्टरनेटिव इस कार्यक्रम को करते हैं। ये हमारा छठा आयोजन है। इसमें हम लोग का प्रयास होता है कि बिहार में जितनी भी तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की जो उद्योग है वो यहाँ आए, एक दूसरे से मिलें, लोग जाने कि बिहार में किस किस चीज़ के उद्योग हैं, और ख़रीदार और बेचने वाले दोनों का यहाँ पर हम लोग समागम कराते हैं। डेली हम लोग कुछ न कुछ यहाँ सेमिनार्स कराते हैं, अलग अलग दिवस मनाते हैं। हमारा कल इंफ्रास्ट्रक्चर डे होगा, परसों हमारा टूरिज्म डे होगा, उसके अगले दिन हमारा इंडस्ट्री डे होगा, 10 तारीख को इस कार्यक्रम का समापन होगा, और इसमें 300 से ऊपर स्टॉल हैं। पिछले साल से ये डेढ़ा इसमें बढ़ोतरी हुई, डेढ़ गुना इसमें बढ़ोतरी हुई है, और हम लोगों ने यहाँ जो लोग आएंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था की है, उनके मनोरंजन के लिए रोज यहाँ शाम को 5:30 बजे से कार्यक्रम हुआ करेंगे। इस दौरान बिहार के उद्यमियों अन्य राज्यों की औद्योगिक प्रगति क्षमता से भी रूबरू कराया जाएगा। केंद्र सरकार के उपक्रम NTPC, IOC, आयुध निर्माण इकाई नालंदा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, पटना मेट्रो, भारतीय रेल आदि को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो जैसे आयोजन बिहार के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, साथ ही
देश की बड़ी बड़ी कंपनियां अगर बिहार में निवेश करती हैं तो इससे राज्य में रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। पटना से सुजीत गुप्ता, बिहार तक।